मैं शिवाली सब्जीवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्जीवारी व्लॉग्स। आज हम डिस्कस करेंगे मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, बुगाटी और बीएमडब्ल्यू को, उनकी हिस्ट्री में थोड़ी बहुत आपको बताऊंगी, हिस्ट्री इन सेंस कि किस ईयर में वो लॉन्च हुए और उनके फाउंडर कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडी की। ऑडी एक जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ऑगस्ट होर्च। उन्होंने जुलाई 16, 1909 में ऑडी लॉन्च की थी फर्स्ट टाइम। और अगर आप इसके लोगों की बात करें तो वो फोर बेंगल्स टाइप आपको बना हुआ नज़र आता है, जिस तरह चार चूड़ियों वाला सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। ये फोर बैंगल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं फोर कंपनीज़ को, ऑडी, होर्च, टीकेडब्ल्यू और वेंडरार। ये फोर कंपनीज 1932 में मर्ज हुई थी और उस वक्त इस कंपनी का नाम था ऑटो यूनियन। और इसके बाद इसका नाम बना ऑडी के जर्मनी में होर्च को लिसन कहा जाता है और लिसन को लैटिन में कहा जाता है ऑडी। तो इस तरह इसने ऑगस्ट होर्च ने अपने सेकेंड नाम के हिसाब से इसका नाम, अपनी कंपनी का नाम और इस गाड़ी का नाम ऑडी रखा। मर्सिडीज भी जर्मन लग्जरी व्हीकल ब्रांड है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 28 जून 1926 को, यानी 96 इयर्स अगो। और इसके फाउंडर हैं कार्ल बेंज और उन्होंने 1886 में फर्स्ट टाइम कार इन्वेंट की थी, यानी पहली दफ़ा कार बनाई थी। कहा जाता है कि 2018 में नवाज शरीफ ने, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ऑर्डर की थी 6 मर्सिडीज। और उसके बाद 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उनके पास आ गई वो मर्सिडीज। और हर एक की प्राइस थी 1.3 मिलियन US डॉलर्स। और अब बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की। ये भी जर्मन मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म है बवेरियन मोटर वर्क्स। और एक और भी है, पढ़ लें अगर आप पढ़ सकें, मैंने तो मुंह टेढ़ा करके प्रोनाउंस करके नहीं बताना। और ये कंपनी लॉन्च की गई थी 7 मार्च 1916 को, यानी 106 ईयर्स। इसके फाउंडर हैं कार्ल रायल। और इसके बाद है फरारी। फरारी के फाउंडर हैं एंजो फरारी और ये 1947 में इटली में उन्होंने लॉन्च। और इसके बाद है लंबरगिनी। लंबरगिनी एस्टेब्लिश की गई थी 1963 में, यानी 59 ईयर्स अगो। और उसका जो लोगो है उसमें एक ख़ास बात है कि उसमें बुल है, और वो उस बुल की भी एक हिस्ट्री है कि इसके जो फाउंडर थे वो टॉरस में पैदा हुए एंड ही वॉज पैशनेट अबाउट बुल फाइटिंग, सो दैट्स वाई उसका लोगो कुछ ऐसा है। और लंबरगिनी के जो फाउंडर थे वो इटालियन ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर थे, और मुझे मेरी रिसर्च से पता चला कि 3 शादियां उन्होंने की थी और 2 बच्चे थे और 1 वाइफ को उन्होंने डाइवोर्स दी हुई थी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बताइएगा। और बुगाटी 113 ईयर्स अगो लॉन्च की गई थी 1909 में।